दिस टॉपिक इज गिफ्टेड पेमेंट। अब गिफ्टेड पेमेंट क्या होती है, कैसे होती है, इसे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। गिफ्टेड को इंशाल्लाह अभी पूरा खत्म करेंगे। गिफ्टेड के बारे में हमें छोटा सा थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है, हमने थोड़े दिन पहले जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स की बात कर रहे थे, किसका टैक्स निकाल रहे थे, नॉन सेविंग पे जब हम टैक्स निकाल रहे थे, तो हमने देखा था कि गिफ्ट एड ANI की वर्किंग में आता है। करेक्ट और बिल्कुल नॉट, सही है। ANI की वर्किंग में गिफ्टेड आता है। और वहां पे मैंने दो तीन बातें बताई थी, वो बातें मैं रिकैप करूंगा और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो गिफ्टेड के बारे में हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि गिफ्टेड होता क्या है। तो गिफ्टेड इज अ चैरिटेबल डोनेशंस टू रजिस्टर्ड चैरिटी। आप रजिस्टर्ड चैरिटी को जो डोनेशन देते हो UK में, उसको गिफ्टेड बोलते हैं। और ANI की वर्किंग में हमें इसका कुछ आइडिया है कि ये नेट होता है, इसको ग्रॉसअप करना पड़ता है, वगैरह वगैरह, वो चीजें थोड़ी सी रिकॉल सही कर है। आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बिल्कुल। गिफ्टेड पेमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये हमेशा गिफ्टेड जो है वो हमेशा क्या होता है, नेट होता है। बाय डिफॉल्ट इट्स अ नेट अमाउंट, तो इसको ग्रॉस करना होता है, क्योंकि हमें ग्रॉस ही लेनी है। तो नेट से ग्रॉस करने का ये फार्मूला हमने सीखा था जब हमने कंपटीशन ऑफ टैक्स की बात की थी। करेक्ट, बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही है। नेट होता है। ग्रॉस होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा, ग्रॉस होगा तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। तो जो क्वेश्चन सही बोलेगा है। वो काम करेंगे, लेकिन हमें ये रूल्स याद होने चाहिए। अब आप एक बात समझो, आपको गिफ्टेड की एक ट्रीटमेंट पता है कि जब हम ANI निकालते हैं ना, तो ANI निकालते वक्त गिफ्टेड को करते हैं माइनस। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। माइनस करते हैं। ANI निकालने में गिफ्टेड को माइनस करते हैं। ये इसका एक ट्रीटमेंट है, ये इसका एक इम्प्लीकेशन है। टोटल गिफ्ट एड के आपके कोर्स में दो इम्प्लीकेशंस हैं, कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल के अंदर। दूसरा इम्प्लीकेशन ये सही है है। कि ये बेसिक बैंड, जो हमारा प्यारा बेसिक बैंड है ना, 37,700, 37,700 का जो बेसिक बैंड है, उसकी लिमिट को बढ़ाता है। गिफ्ट एड एक तरफ से ANI को कम करता है, और साथ ही साथ बेसिक बैंड की लिमिट को भी बढ़ाता है। एक चीज के दो काम हैं, एक तरफ से ANI को कम करे है और दूसरी तरफ से बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ा देता है ग्रॉस अमाउंट से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है और हमें इसको ग्रॉस करना होता है। अब बेसिक बैंड की लिमिट को ये बढ़ा देगा, बस इतना याद रखना। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, मुझे ऐसे ही बता दो, सही है। वैसे बेसिक बैंड की लिमिट बाय डिफॉल्ट होती कितनी थी, 20% रेट लगता था उस पे, थ्री लेकिन लिमिट क्या होती थी उसकी, 7700। 37,700। और हायर बैंड की लिमिट क्या होती थी, 150। है ना बाबा ना, 150 तक होता है हायर बैंड। हायर बैंड की लिमिट क्या होती है, 3770 माइनस के लिए 150 से जोन से हाँ वो याद करने का बोला था मैंने। हाँ, 112300। 1,12,300 लिमिट होती है हायर की। ये अपनी ग्रा से सही बात है। कर लेना कि बाबा कुछ भी हो जाए, बेसिक बैंड की लिमिट तो बढ़ेगी गिफ्टेड की वजह से। आपका हायर बैंड 1,12,300 पे इस्तेहकाम फरमाएगा, वो बढ़ेगा ना कम होगा। वो 1,12,300 है तो 1,12,300 ही रहेगा, वो बैंड कभी भी बदलता नहीं है, नहीं वाला है। हायर वाला। जब आप बुक पढ़ोगे या हैंडआउट पढ़ोगे, तो उसमें आपको कुछ इंग्लिश नजर आएगी जिसमें आप थोड़े से शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस कंफ्यूजन का जवाब मैंने बताया है कि हायर बैंड 1,12,300 है,
तो 1,12,300 रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब बुक में यार। बेसिक एंड हायर बैंड बोथ लिमिट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ गिफ्टेड पेमेंट। इसको खल्ली वल्ली करा देना आप, बस दो बातें याद रखना। गिफ्टेड बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाता है ग्रॉस अमाउंट से, और हायर बैंड की लिमिट हमेशा 1,12,300 ही रहेगी। इसको हम ना कभी छेड़ते थे ना छेड़ेंगे, इंशाल्लाह हम इसकी नियत करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 को ये पढ़ो 37,700 को बढ़ाएगा। बस। ठीक है, ठीक क्वेश्चन पढ़िए, शाबाश। ब्रेंडा हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 5,500 ईच ईयर एंड मेक अ पेमेंट ऑफ 3,600 टू द आरएसपीबी अंडर द गिफ्ट एड अब स्कीम। आरएसपीबी को करे, ऑक्सफॉर्म को करे, या सेलानी वेलफेयर को करे, वी डोंट माइंड, वी डोंट माइंड एट सही ऑल। है। हमें कंपनी या दो चैरिटी का नाम नहीं चाहिए, हमें बस देखना है गिफ्टेड है बाबा, गिफ्टेड है बस, खलास। हमने इतना देखा और हम आगे बढ़ गए, अपने रूल्स की तरफ बढ़ गए और हम सॉल्व करने निकल पड़े। हमारा सॉल्यूशन का तरीका क्या था? टैक्स निकालना है ना, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। फॉर्मेट याद होगा, नॉन सेविंग का एक कॉलम, टोटल का तो कॉलम होता ही है साथ में। एम्प्लॉयमेंट इनकम है भाई कितनी, कोई क्वालिफाइंग फाइव इनकम फाइव जीरो जीरो है तो यही मेरी नहीं इनकम भी हो गई, और टोटल नेट इनकम 1,00,000 से नीचे नीचे है, तो ANI की वर्किंग करने की कोई जरूरत बरूरत नहीं है। वो नहीं है। बेहतरीन हो गया, आप पर्सनल अलाउंस निकाल लो, शाबाश। इसके बाद पर्सनल अलाउंस माइनस कर देना। 12,570 माइनस 42,430। इसको बोल देते थे हम टैक्सेबल इनकम और इस पे लगाते थे टैक्स। आपको याद हो यहाँ पे मैं कुछ लिखा करता था कि ये बंदा कौन सा टैक्स पेयर है, हमेशा लिखता था, और मैं कहता था ये बाद में बहुत काम आएगा। आज वो वक्त आ गया कि ये काम आएगा। अब यहाँ पे जब पहुंचोगे ना तो फिर वर्किंग लगा दोगे। अब ये क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, गिफ्टेड शरीफ नजर आ रहा है? बिल्कुल गिफ्टेड बैंड की लिमिट्स को छेड़ता है नहीं छेड़ता? चढ़ता है बेसिक को। पढ़ा है हमने कैसे छेड़ता है, अभी हम छिड़वाते हैं। ठीक है, आइए छेड़ते हैं मिलके। बाबा गिफ्टेड बेसिक बैंड का लिमिट होता है कितना है वैसे? 37,700 37,700 बेहतरीन। बेसिक बैंड लिमिट होती है 37,700। ग्रॉस गिफ्ट एड इसको बढ़ाता है। ये क्या 3,600 के साथ लिखा हुआ है कुछ के, ये ग्रॉस है कि नेट है? कुछ भी नहीं। जब लिखा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट ही हमेशा क्या होता है, मैंने क्या बताया था ग्रॉस है? तोबा करो तोबा। बाय नहीं, डिफॉल्ट नेट होगा। नेट होता है, ये नेट होता है इफ साइलेंस। सही है। ठीक है, लिख लेना भाई, बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, हमें ग्रॉस करना होता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना उसमें आगे ब्रैकेट में ग्रॉस 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 लिखा था, इसलिए हम कुछ नहीं करते सही इसमें। है। ये फार्मूला है इसको ग्रॉस अप करने का, कर दिया मैंने, क्या आंसर आया? फोर फाइव जीरो जीरो 4,500। ऐड करो, फोर टू टू जीरो जीरो इसको कहेंगे हम एक्सटेंडेड बेसिक बैंड की लिमिट्स। बेसिक बैंड बढ़ने से तो फायदा होता है क्या? टैक्स ज्यादा लगेगा। बेसिक बैंड में ज्यादा इनकम आ जाएगी जिसकी वजह से टैक्स सेव हो जाएगा, यानी जो टैक्स हायर बैंड में जाना था अब वो हायर में नहीं जाएगा, वो बेसिक बैंड में रह जाएगा। राइट और रॉन्ग? सही है। तो बेसिक बैंड में रह जाएगा तो हमारा टैक्स बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा?
बिल्कुल बचाएगा। 40 की जगह 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो हमारी इनकम सही क्या, सही, 4240, बेसिक बैंड की नई लिमिट कितनी आई है? फोर टू टू जीरो जीरो ये बंदा बेसिक को क्रॉस कर रहा है। सही है, हायर में जाएगी। तो चलिए लेके चलते हैं इसको। नॉन सेविंग सबसे पहले तो बेसिक में कितना आ जाएगा, 4200 बेसिक में आ जाएगा। ये हमने वर्किंग से निकाला है, इस पे लग जाएगा 20%। कितना आएगा? 8440, जो बचेगा कितना बचा, दो सौ तीस 430 बचा ये हायर में। और हायर में कितना परसेंट होता है? 413, 213 नहीं बच रहा, दो टू सौ थर्टी तीस अच्छा मैंने गलत सुना फिर। ओके 40% लगा देंगे तो आ जाएगा जबरदस्त। नाइस। 92। टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, पे होता एट पे फाइव थ्री टू तो इनकम टैक्स पेबल आ जाता, लेकिन पेबल पूछा नहीं है, लायबिलिटी पूछी है, एंड दैट इज द लायबिलिटी। हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी पहली मर्तबा निकाली है गिफ्ट एड के साथ। कोई सवाल ठीक नहीं, सही है। हो गया? तो कॉपी वगैरह कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपने खुद करना है, आपका होमवर्क है। 19, 20 में करवा रहा हूँ। 19 इज योर ठीक असाइन, है, ठीक है? 20 हम अभी करेंगे। क्वेश्चन 20 आपके सामने होगा अभी स्क्रीन पे। इसको आपने करना है पहले रीड, पढ़िए क्या फरमाता है। क्लियर है द टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम ऑफ 15600 एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 12000 फॉर द टैक्स ईयर। शी डज नॉट हैव एनी सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम। शी मेक गिफ्टेड एट पेमेंट्स टू द चैरिटी ऑफ 4700। ठीक है, अब गिफ्टेड नजर आया, सही जी बिल्कुल। है। क्वेश्चन नॉन सेविंग्स और टोटल का कॉलम, क्या क्या कमा रही है ये? टैक्स ट्रेडिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग इनकम कमा रही है 156,000 की, और एम्प्लॉयमेंट इनकम कमा रही है कितने की? 12। 12000, टोटल कितना हो गया? 168000। टोटल का कॉलम भी यही होगा। पर्सनल ऑफ कितना होगा सर? ANI आ चुका है, हायर है। ANI निकालना पड़ेगा। बेहतरीन, यानी पर्सनल अलाउंस के लिए वर्किंग होगी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। टैक्सेबल इनकम आ वन गया। सिक्स एट अब मैं ANI निकालूंगा ना, ये देखा मैंने कि लाख से ऊपर है तो ANI निकालने चला गया। जी, कैसे निकलती है? टोटल नेट इनकम विच इज 168,000। दो चीजें माइनस होती हैं, एक है ग्रॉस गिफ्टेड और दूसरी है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आई नहीं है, क्योंकि उसका एक पूरा चैप्टर है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गिफ्टेड सही है। कितनी है साइन? 47000, 47,000 बताया है नेट के ग्रॉस, बताया नहीं है तो नेट होगा। बताया नहीं है तो हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, यानी ये नेट है। करिए ग्रॉस अप सर। सही है, ग्रॉस कर दिया, माइनस किया, ANI की आमद हो गई। वी गॉट आर ANI, 1,09,250। ANI ठीक है। जिंदाबाद। क्या रूल था? लाख से ऊपर ANI हो तो एक्सेस के हाफ से पर्सनल अलाउंस कम हो जाता है। यानी एक्सेस बोले तो 9,250 एक्सेस है,
9,250 के आधा करो, उसमें उसको पर्सनल अलाउंस से माइनस कर दो, यही पढ़ाया है ना पर्सनल अलाउंस में, के 12,570 बिल्कुल लाख ANI लाख से कितनी ज्यादा है, उस एक्सेस अमाउंट के हाफ से पर्सनल अलाउंस इज गोइंग टू बी रिड्यूस, और पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद जो बचेगा 7,94। 9 7 9 4 5 कोई तकलीफ, ये हमने पढ़ा नहीं हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्ट किया है, बिल्कुल ऐसे हमने काफी टाइम लगाया था पहले। टैक्सेबल इनकम आ गई सर 1,60,005। अब कहानी है, बड़ा गौर से समझने वाली है, जो मैंने अल्फाज शुरू में बोले थे ना, अगर वो आपके जहन में है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। नॉन सेविंग्स पहला बैंड कौन सा होता है बाबा? बेसिक बेसिक की लिमिट कितनी है इस क्वेश्चन में सर? वो भी तो करनी थर्टी पड़ेगी यस ना, वर्किंग टू 37,07 तो होता है, और ग्रॉस गिफ्टेड, ये रहा ग्रॉस, निकाला हुआ है सर, अच्छा कैलकुलेट हुआ हुआ है, ये ग्रॉस गिफ्टेड, ये आया इसमें हो गया प्लस, आ गई मेरे पास एक्सटेंडेड बेसिक बैंड लिमिट, कितनी आई सर? 9 6 4 5 0 यहां तक कोई तकलीफ? नहीं 1,60,055 कमा रहा है बंदा, बड़ा अमीर आदमी है भाई माशाल्लाह। 20% तो बेसिक बैंड में टैक्सेबल हो गया, 96,450 कितना हो गया, 19,290 ये आ गया, गुड नाइट सही है, यहां तक कोई मसला है? सही है नहीं अब सर ये बेसिक में जाएगा, हायर में जाएगा, ये तो बताओ, एडिशनल में जाएगा, ये जाएगा कहां तक? तो बेटा बात समझो, जिस सही तरह बता रहा हूं इसी तरह करना। 1,60,000 ये था ना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, या पेपर में आपके दिमाग में हो रहा होगा, कैलकुलेटर पे हो रहा होगा, जो मैं ये ब्लू से लिख रहा हूं, ये वर्किंग नहीं करना है, टाइम नहीं ठीक होता। है इसमें से बेसिक में कितना निकल गया? 9 6 4 5 0 मैं जो लिखता हूं, मैं लिखता हूं यार रिमेनिंग, मैं अभी बैंड का नाम नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं ठीक बचा है कितना बताओ। 6 3 6 0 5 मैं चिल्ला रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ भी हो जाए हायर बैंड की लिमिट कितनी रहेगी? 1 1 2 3 0 0 112,300 इज द लिमिट ऑफ हायर बैंड, एम आई राइट सर? बिल्कुल सही है अब मुझे दसो, मुझे बताओ, 63,000, 63,000 112,000 की गुंजाइश में सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेट हो जाएगा तो इसको सेट कर दो ना, इसको सेट कर दो, 40% पे कहानी खत्म करो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पे बच्चे बड़े बड़ा कंफ्यूज होते हैं सर, वो 1,50,000 से ज्यादा है तो एडिशनल बैंड आएगा, बाबा यहाँ गिफ्टेड आ गया है, एडिशनल एडिशनल वो वाली कहानियां भूल जाओ, ये जुगाड़ है, इसी तरह से करना है, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, होशियारी नहीं करने का। सही है 4 4 7 3 2 4,47,30 7 3 2 बिल्कुल सही आंसर आया माशाल्लाह। क्या किया, बेसिक बैंड को छेड़ दिया गिफ्टेड ने, हायर हमारे दिमागों में हमने फिक्स कर लिया है 1,12,300, बाबा रिमेनिंग 63,000 है, 1,12,300 के अंदर अंदर है, उठा के फेंक दिया इसके अंदर, कहानी खत्म, आंसर आ गया क्वेश्चन सही का। मतलब जी मसला स्टूडेंट के साथ ये होगा कि वो 1.5 लाख से माइनस करेंगे वो यहाँ से प्रॉब्लम होशियारी है करेंगे, और 1,50,000 से ऊपर है ना, 10,055 इसको एडिशनल में ले जाएंगे, और हायर में थोड़ी अमाउंट लिखेंगे, और दिमाग नहीं चलाएंगे कि हायर में जगह 1,12,300 की है, तुम कम अमाउंट लिख के एडिशनल कैसे लिख सकते हो? ऐसा ही है तो हमने बड़ा खोल खाल के इसको पढ़ाया है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है, तो आपने इसी तरह से करना है, ठीक है? अजान हो रही है, ठीक है इधर तक आप कॉपी कीजिए, 2 मिनट वेट करेंगे। ओके